Hi, my name is Mary. Today FM plays the best music in Lambasa. Today FM rocks. My name is Thomas. I'm here in Nakasi and I like to listen to Today FM because it rocks. And my name is Milenia. Today FM rocks here in Singotoka. My name is Enrique and Today FM rocks here in Tawa. My name is Mary Jane. I love listening to Today FM here in Ba. Today FM rocks. My name is Ilai Tiambale and I love listening to Today FM. Today FM rocks here in Osun. Today's hit music on Today FM. नमस्कार फीजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूं केतरिन कृष्णा। 18 साल पहले क्वीन एलिजाबेथ बैरक्स नंबुआ पर हुए म्यूटनी को लेकर सडेलपा लीडर सितिवेनी रंबुका के बारे में और बातें सामने आई है। उस समय के मिलिट्री कमांडर और फिलहाल के प्रधानमंत्री वोरेंगे बैनिमरामा ने कहा कि रंबुका म्यूटनी में शामिल था, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत भी हुई थी। फिजी फर्स्ट लीडर वोरेंगे बैनिमरामा ने कहा कि लोगों को इसके बारे में जानना जरूरी है, जबकि 2000 के म्यूटनी का असर कई फिजियंस पर पड़ा था। बैनिमरामा ने कहा कि रंबुका लोगों से झूठ कह रहे हैं कि वे 2000 म्यूटनी में शामिल नहीं थे। बैनिमरामा ने पुष्टि की है कि 2000 म्यूटनी के बाद रंबुका खुद देश को लीड करना चाहते थे। आम चुनाव से पहले 48 घंटों के ब्लैकआउट पीरियड के तहत लोगों को पॉलिटिकल पार्टी पोस्ट और कैंपेन से जुड़े पोस्ट को शेयर करने की अनुमति नहीं है। इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन भी नहीं कर सकेंगे। इलेक्टोरल एक्ट के सेक्शन 63 के तहत यह आम किया गया है कि आम चुनाव से 48 घंटे पहले कैंपेन नहीं किया जा सकता। लोग सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी वेबसाइट पर कैंपेन मटेरियल्स को देख सकते हैं। लोग जो इसका पालन नहीं करेंगे को $50,000 तक का फाइन भरना पड़ेगा या उन्हें 10 सालों की जेल की सजा भी हो सकती है या फिर उन्हें दोनों फाइन और जेल की सजा हो सकती है। 48 आवर्स कैंपेन ब्लैकआउट इसी रविवार को शुरू होकर मंगलवार मध्य रात्रि को खत्म होगा। फिजी फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी अयाज सईद कयूम ने कल नवामांगी सिंगतोका के लोगों को बताया है कि क्यों सरकार चाइना से लोन लेती है। कुछ सवालों के जवाब देते हुए सईद कयूम ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स सिर्फ ग्रांट्स देते हैं, ना कि लोन्स। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने एडीबी तथा वर्ल्ड बैंक को फिजी को पैसा उधार देने से मना किया था, लेकिन अब ये बदल गया है। फिजी फर्स्ट पार्टी इसी सप्ताह तक वेस्टर्न डिवीजन में कैंपेन करती रहेगी। फिजी एयरवेज मैन स्कीपा खलियोने नसोको ने कहा है कि वे इसी सप्ताह ओशनिया सेवंस के तहत टीम को लीड करने के लिए तैयार हैं। नसोको और उनके टीम के अन्य खिलाड़ी अपने टाइटल को अच्छी तरह डिफेंड करने पर गौर कर रहे हैं और साथ ही में इस साल के वर्ल्ड रग्बी सेवन सीरीज के लिए भी तैयार हो रहे हैं। नसोको ने कहा कि टीम में एक्सपीरियंस खिलाड़ी जैसे जेरी तुआई और वातेमो रावोवो शामिल हैं। ऑशनिया सेवंस कैंपेन के तहत अपने पहले पूल मैच में फिजी कल सोलमन आइलैंड से 4:57 PM आईएनजे स्टेडियम सुवा में मैदान लेगा। और ये थे आज के मुख्य समाचार। याद रहे इन समाचारों को आप रेडियो फिजी 2 और मिर्ची एफएम पर भी सुन सकते हैं। शुभ रात्रि। Hi, I'm Nazrin from Missouri Jets. I love listening to Mirchi FM. Mirchi FM is hot. Mahen, rugby tone Singatoka se. Singatoka am khali Mirchi baje. Mirchi bahut garam hai. Main Mala Lambasa se. Main hamesha radio Mirchi sunti hu. Mirchi FM, it's hot. Hamara naam Munindra hai aur hum Malele Taba mein rehta hai. Aur every time hum Mirchi FM sunta hai. It's really good. My name is Ethan Narayan. I'm from Nakasi. I love listening to Mirchi FM because Mirchi FM is hot. Mirchi FM. It's hot.